नमस्कार दोस्तों, आज मैं पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल हेल्थ केयर पर एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है रियल जूस की रियलिटी। आप सभी आदमी जानते हैं कि जब भी हम कोई वीडियो लेके आते हैं उसमें हेल्थ संबंधित होता है, आपके हेल्थ से जुड़ा हुआ होता है वो सब्जेक्ट। तो आज मैं उसी पर चर्चा करने जा रहा हूँ जो रियल जूस मार्केट में इजिली अवेलेबल है। किसी भी मार्केट में आप खोजेंगे तो रियल जूस मिल जाता है। रियल जूस की कई तरह की जो है फ्रूट्स जूस की पैकिंग आती है रियल में, तो उसमें से मैं आज एक स्पेशल फ्रूट्स जूस का चर्चा करना चाहूंगा जो अनार जूस के नाम से मार्केट में जाना जाता है। ये देखिए पैक, ये अनार जूस है जो बहुत ही पॉपुलर है और रियल ब्रांड तो बहुत ही फेमस हो गया है। हालांकि ये डाबर कंपनी से जुड़ा हुआ चीज है और इसे बहुत लोग पीना बहुत पसंद करते हैं। इसमें क्या है, क्यों पीना चाहिए हमें, क्यों नहीं पीना चाहिए, क्या पीने से क्या फायदा है, आज हम इसी संबंधित आपसे बात करेंगे। ये रियल जूस है, पोमग्रेनेट्स रियल जूस फ्रूट्स जूस के नाम से आता है। जैसा कि हम लोग देखते हैं इस पे, जब हम अनार का फिगर देखते हैं, अनार का जब यहाँ फोटो देखते हैं तो हमारे मन में एक ऐसा उठता है कि ये अनार का जूस है और ये फुल्ली अनार से ही बना होगा, बेदाना से ही बना होगा। लेकिन वास्तविकता इसमें ये नहीं है। इसमें है क्या कि अनार जूस तो है ही, फ्रूट जूस इसमें होता ही है, लेकिन फ्रूट जूस के साथ में कई चीज की मिक्सिंग होती है। जब भी कोई आर्टिफिशियल रूप से तैयार किया जाता है जूस को, जब भी उसे अनार से निकाल करके उसकी कुछ परसेंटेज ली जाती है, कुछ एडेड शुगर के रूप में जो है इसमें कुछ चीनी मिलाई जाती है, इसके अलावा भी ढेर सारा चीज मिला करके इस पैक को तैयार किया जाता है ताकि हेल्थ के लिए ये बेनिफिट पहुंचा सके। तो मैं बात करूंगा इसी संबंधित कि रियल कंपनी कौन कौन से जूस बनाती है और कितने ब्रांड के जूस बनाती है। तो जैसा कि हम सभी आदमी देखते हैं यहाँ पे, ये रियल जूस जो है आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ढेर सारा प्रोडक्ट है जो रियल जूस बनाता है, फ्रूट्स से रिलेटेड होता है और फ्रूट इसे पैकिंग करके मार्केट में भेजता है। तो जब कभी भी हम इस तरह की देखते हैं तो इसमें आपको जैसे हो गया एप्पल जूस हो गया, ग्रेप्स जूस हो गया, मिक्स फ्रूट जूस। मिक्स फ्रूट जूस में होता क्या है कि सभी जूसों को, सभी फ्रूट्स को मिला करके एक साथ मिक्स फ्रूट जूस के तौर पे तैयार किया जाता है। ये भी अवेलेबल है। इसके अलावा ऑरेंज जूस अवेलेबल है, लीची है, मैंगो है, ये ढेर सारा जो है यहाँ पे दिखाया गया है। जितना भी ब्रांड है अप्रोक्स 10 से ऊपर ही है, 10 to 15 होगा जो कि ये मार्केट में रियल कंपनी के द्वारा बना करके ये प्रोडक्ट जूस के तौर पे मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, तो इसमें से मैं आज अनार संबंधित बातें करने जा रहे थे। तो सबसे पहले कोई भी जूस ले, इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ले, तो हमें क्या देखना चाहिए उस स्थान पे जिससे हमें बेनिफिट हो सके, जिससे मुझे कोई अगर फायदा न हो ये खरीद करके। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है सो देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देख लीजिए बोतल के इस ऊपर वाले साइड में, यहां जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट दिया हुआ होता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट का अगर हम बात करें 26/6/2021 इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है। इसी प्रकार से सभी पैक के ऊपर में यहाँ जो है सो मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें है कि आपको एक्सपायरी डेट नहीं देखने को मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक्सपायरी डेट देखना तो बहुत ही जरूरी होता है जब कोई प्रोडक्ट हम परचेज करते हैं। तो एक्सपायरी डेट देखने के लिए दवा में भी ऐसा होता है और फ्रूट जूस में भी ऐसा है कि एक्सपायरी डेट जब नहीं मेंशन किया होता है उस स्थान पे जहां मैन्युफैक्चरिंग डेट होता है उसके जस्ट नीचे एक्सपायरी डेट होना चाहिए। अगर एक्सपायरी डेट वहां नहीं मेंशन है तो कहीं ना कहीं आपको एक दो लाइन लिखा हुआ होता है जो बेस्ट बिफोर 18 मंथ, बेस्ट बिफोर 12 मंथ या बेस्ट बिफोर 6 मंथ, इस तरह से उस पैक पर कहीं ना कहीं लिखा हो। तो उसको आप जरूर देख लें कि जिस मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है और उसका जो है एक्सपायरी डेट क्या है, ये दोनों देखना बहुत ही जरूरी है। तो इसमें देखिए कि मैन्युफैक्चरिंग डेट तो हमें इसके ऊपर ही मिल गया यहाँ पे, लेकिन अगर एक्सपायरी डेट की बात करें तो एक्सपायरी डेट इसमें नहीं दिया गया है और ये मेंशन किया गया है, इसे मैं खोज लेता हूं आपको बताता हूं कहाँ है। देखिए रियल टू द सर्व्स फ्रूट्स वी हैव ब्रेल्स और डावर कंपनी का है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 1 लीटर जहां लिखा गया है ये पैक 1 लीटर का है, तो वहीं उसके ठीक नीचे यहाँ मेंशन किया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं बेस्ट बिफोर 6 मंथ फ्रॉम मैन्युफैक्चर।
मतलब ये 6 महीने तक आप यूज कर सकते हैं या 6 महीने से पहले आपको ये यूज करना है, जब मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है उससे 6 महीने तक ही हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर 6 महीने से ज्यादा हो गया है तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे, इसे जो है अवॉइड करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि इसमें कुछ तरह का दिक्कत देखने को मिल सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट से रिलेटेड हम बातें कर लिए फ्रूट से। अब हमें ये क्यों लेना चाहिए, इसे लेने से फायदा की बातें कर ले कुछ, इससे लेने से हमें क्या फायदा होता है, नुकसान क्या होता है। तो फायदा के रूप में है, जब भी हम इनर्जेटिक अपने आप को महसूस नहीं करते हैं तो उस टाइम में अगर हम ये पीते हैं, अनार का जूस पीते हैं, पोमग्रेनेट फ्रूट जूस पीते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद पहुंचाता है और हमें इनर्जेटिक बना देता है, चाहे वो माइंड से हो, बॉडी से हो, हर तरह से मुझे ये इनर्जेटिक करता है। इसमें पाया क्या क्या जाता है, क्यों ये हमें इनर्जेटिक करता है, वो जानकारी भी होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो चलिए उस संबंधित हम बातें कर लेते हैं। 100 ml में जो है सो इनर्जी, देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है सारा कुछ, इनर्जी जो है सो 56 kcal इनर्जी मिलता है मुझे 100 ml के पैक में। और इसके अलावा मुझे प्रोटीन मिलती है 0.1, ये प्रोटीन की मात्रा बहुत कम होती है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है 14 grams। नेचुरल फ्रूट शुगर्स 5, वो फ्रूट से जो शुगर आता है वो 5 ग्राम होता है। इसके अलावा एडेड शुगर्स 9 ग्राम शुगर्स जो है इसमें बाहरी ऐड किया गया है, मतलब शुगर की मात्रा यहाँ पे बढ़ रही है। इसके बाद में फैट 0 पाया जाता है, इसमें फैट नहीं के बराबर पाया जाता है, फैटलेस कह सकते हैं इसे हम। इसके अलावा सोडियम 15 ग्राम पाया जाता है, पोटासियम 50 mg पाया जाता है, और कैल्शियम 3 mg पाया जाता है, आयरन 0.1 mg पाया जाता है, और विटामिन सी 20 mg पाया जाता है, 20 mg पाया जाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है हम सबों के लिए। विटामिन सी के होने से हमारी स्किन जो है सो स्मूथ दिखता है, स्मार्ट दिखता है। और इसके अलावा जो है सो विटामिन सी हमारी इम्यूनिटी पावर को डेवलप करने का काम करता है, जो अंदरूनी क्षमता होती है, बीमारी से लड़ने की जो क्षमता होती है उसे भी डेवलप करता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस देखें इस पैक को, तो ये बहुत ही फायदेमंद है हमारे शरीर के लिए। लेकिन इसे खरीदने से पहले, परचेज करने से पहले मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर जो लिखा होता है इस पे, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। और कई आदमी का सवाल होता है कि मैं इसे बच्चे को पिला सकता हूँ, तो इस पे बच्चा का फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है और बच्चे के लिए ही जो है सो मैन्युफैक्चरिंग है। बड़ा भी ले सकता है लेकिन बच्चा भी इसे आप ले सकते हैं, 2 साल से ऊपर का बच्चा हो या 5 साल का बच्चा हो आपको, या उससे ऊपर का बच्चा हो तो आप उसे दे सकते हैं। मतलब एज उसका अगर 2 साल से ज्यादा हो या 5 साल से ज्यादा हो तो आप उसे इजिली दे सकते हैं। हाँ, लेकिन इसे रेगुलर नहीं रखें, क्योंकि पैक मटेरियल जो भी होता है वो लंबा टाइम तक जो है सो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर बेदाना अगर मार्केट में आपको इजिली अवेलेबल है तो आप बेदाना से ही जूस बना करके उसका उपयोग करें, तो इससे बेहतर होगा और प्योर होगा। फिर भी अगर मैं सफर में हूँ, रास्ते में हूँ, तो ये जूस का आप इजिली यूज कर सकते हैं। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए।